अच्छा, तो आंसर आ गया विच इज करेक्ट, 0 पॉइंट। एक जन का हो गया तो सबका तो हो ही जाएगा ना। विच इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हैं, क्यू एक्स लिख सकते हैं 0 से 1। ये टीपीएक्स को, वेरी गुड, 1 माइनस टी क्यू एक्स है। अब टी क्यू एक्स को यूडीडी के में डायरेक्टली लेट्स राइट टी इंटू क्यू एक्स डी टी। ठीक, क्यू एक्स का वैल्यू गिवन है तो क्यू एक्स वो डाल देंगे, बट लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द एंटायर थिंग। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टी माइनस क्यू एक्स विल बी कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ टी, टी स्क्वायर बाय 2 इंटू क्यू एक्स, यस, फ्रॉम 0 to 1। चलो अब बोलो क्यू एक्स का वैल्यू इज 0.1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 0.1 का स्क्वायर होगा ना इसका, नहीं ठीक है, और 0 वाला टर्म एनीवेज नॉट रिक्वायर्ड, 0 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0., वेरी गुड। ठीक है, इजी, नॉट डिफिकल्ट। कैमरा ऑन करो सब लोग, ठीक है ना। क्या हो गया बताओ, नेक्स्ट सीएफएम में कर लो सेम चीज। तो सीएफएम में केस में एम एक्स इज इक्वल टू, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, ऑब्वियसली एग्जाम में अगर आएगा तो आप लोग वो शो कर दोगे, 1 लाइन ही है उसमें, बट इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। वी नो दैट पी एक्स इज इक्वल्स टू, ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ पी एक्स विच इज 1 माइनस क्यू एक्स, लिख दोगे एक साथ में माइनस 0.9, क्या आ रहा है, 1 0। तो कौन सा बड़ा हुआ है मैक्स, यू सी एफ एम के केस में बड़ा हो गया, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा ना पूरे साल, वेर एज यूडीडी के केस में एनीवेज वो इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इसीलिए कम है। बैलडूची इज नॉट देयर इन द सिलेबस, सो नॉट रिक्वायर्ड, राइट। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक के लिए ना मैं नया वो करती हूँ। लिखो कर्टेट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, कर्टेट एक चीज मेरे को डिस्कस करना था सबसे, कि आई हैव सीन स्टूडेंट्स इन CM1 एंड CS1 डू दिस, कि क्लास अटेंड करते हैं एंड देन वापस जाके उसका रिकॉर्डिंग देखते हैं। कौन कौन करते थे वैसे यहाँ पे, मतलब क्लास अटेंड कर लिया मान लो वापस से, फिर ऐसे लगते जब क्लास अटेंड करे रिकॉर्डिंग तो है ही तो वो मिल जाएगा, तो फिर रिकॉर्डिंग भी देखते थे वापस, एक दो टॉपिक के लिए नहीं, बट आई डोंट नो व्हाई आई हैव सीन स्टूडेंट्स की कुछ कुछ स्टूडेंट्स पूरा पूरा करते थे, पूरा पूरा क्लास ही करते थे, लाइक 30% ऑफ द क्लासेस। तो ये चीज CS2 में आप लोग कर ही नहीं पाओगे, वरना फिर वो एक साल बाद सिलेबस खत्म होगा। सो व्हेन यू आर डूइंग अ क्लास, बी इट वीडियो और बी इट इन द लाइव लेक्चर्स, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जो भी डाउट है उसी समय पूछो इफ इट्स इन द लाइव लेक्चर, और
इफ इट्स इन द रिकॉर्डेड, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कुछ रिकॉर्डिंग्स भी देखने बोलूंगी, तो उसमें भी प्लीज उसको 1.5 2x पे मत देखना. पहली बार तो 2x पे देख ही नहीं पाओगे CS2 के वीडियोस, बट अगर आप लोग उसको 1.5x पे देख रहे हो ना, तो आपको वो वीडियो दोबारा देखना ही पड़ेगा, ये सोच के चलना. और टाइम एट द एंड उतना ही लगता है, चाहे आप उसको 1.5 पे देखो या 2 पे देखो, क्योंकि उसको आप पॉज करते हो, फिर आप नोट्स बनाते हो, फिर पॉज करते हो. सो डोंट डू दैट. अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, प्लीज डू इट ऑन 1x ओनली. आपका टाइम सेव होगा, ये नोटिस कर लेना. कोई भी एक वीडियो ले लेना, 1x पे देखना, 1.5 पे देखना. 1.5 में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स रिसेंटली डूइंग इट. पहले के स्टूडेंट्स नहीं करते थे, पता नहीं न्यू जेन स्टूडेंट्स आर कमिंग इन एंड वो बार बार देखते हैं, दो दो बार, पता नहीं क्या मजा आता है. तो वो चीज नहीं करना है. ऑलराइट, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको CS2 में. आपको रिविजन के लिए टाइम चाहिए, ये सब के लिए, फालतू के लिए नहीं टाइम चाहिए. क्योंकि यू ऑल हैव द रिकॉर्डिंग, सो यू हैव दैट ऑप्शन, बट डोंट डू दैट. चलो, कर्टेट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ. तो हम लोगों ने कंप्लीट फ्यूचर का और कर्टेट फ्यूचर का हम एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, स्टार्टिंग विद कर्टेट. कर्टेट इज एक्स के एक्स वाला नंबर ऑफ बर्थडेज इंटीजर, ठीक है? तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, ई एक्स, विच इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ के एक्स. एक्सपेक्टेशन ऑफ, अब के एक्स का क्या होता है, इट्स नथिंग बट समेशन के वन से इंफिनिटी के पी एक्स. इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ठीक है? ये प्रूफ करेंगे हम लोग अभी. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ के एक्स, समेशन क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इट इज डिस्क्रीट. वन बर्थडे, एक्स ईयर का इंसान है, वो एक बर्थडे और मनाया, टू बर्थडेज और मनाया, थ्री बर्थडेज और मनाया. सो इट्स अ व्हाट, डिस्क्रीट. डिस्क्रीट में एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हो, जिस चीज का भी एक्सपेक्टेशन निकालना है, दैट थिंग मल्टीप्लाइड बाय उसका, वेरी गुड, दैट थिंग मल्टीप्लाइड बाय उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है? वेर के कैन गो फ्रॉम एक बर्थडे और मैंने मनाया से इन्फिनिटी बर्थडेज मैंने मनाया. इन्फिनिटी कैन ऑल्सो बी टेकन एज ओमेगा इन दिस केस, विच इज द लिमिटिंग एज, ठीक है? तो वैसे भी आप लिख सकते हो. सो लेट्स ट्राई टू एक्सपैंड दिस. सबसे पहले, अच्छा, इसको हम लोग जीरो जीरो से लिखते हैं. एक बार जीरो से लिखो. यहाँ पे जैसे मैंने वन से लिखा है, इसका रीजन मैं बताऊंगी. जीरो से लिखते हैं, बिकॉज आइडियली हो सकता है कि जीरो बर्थडेज मनाएगा. एक एक्स का इंसान एक्स प्लस वन तक जिंदा ही नहीं रहा, यहाँ मर गया. तो एक के एक्स क्या होगा, उसका जीरो होगा, ठीक है? तो एक्सपैंड करो. चलो, सबसे पहले तो बताओ प्रोबेबिलिटी के एक्स इक्वल्स टू के क्या होना चाहिए. KPX मतलब एक्स ईयर का इंसान के ईयर तक जिंदा रहा और फिर उसके बाद मर गया, ताकि वो के प्लस वन नहीं मना पाएगा. मान लो ये एक्स ईयर का इंसान है, ठीक है? दिस इज लेट्स से सपोज एक्स प्लस के. तो के ईयर तक जिंदा रहा ना, तभी तो उसने के बर्थडेज मनाए और फिर एक्स प्लस के प्लस वन पे वो मर गया इधर. So in this year he died. These many years he was alive. So KPX into QX plus K. Logic clear? यहाँ पे मर जाएगा next one year में. तो अब इसको चलो expand करते हैं. K के जगह zero डालो. Zero into ये क्या हो रहा है? Number of birthdays into उसका probability. वैसे ही तो expectation. तो zero into zero PX KX QX plus 1 into 1 px qx plus 1 so on, ठीक है? अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बोलो. पहले वाला जीरो हो जाएगा एनीवेज, ठीक है? तो बचा क्या, 1 into 1 px qx plus 1. अब देखना दूसरे वाले को मैं कैसे लिख रही हूँ. ये जो है ना, दीज आर टू टर्म्स, राइट? सो आई विल राइट इट लाइक दिस जस्ट फॉर सॉल्विंग, क्योंकि अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं कर सकते अपने. थ्री वाला टर्म होगा ऐसे होगा,
अब देखो, एक बार देखो फिर मैं टाइम दूंगी करने का। ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, ऐसे करके जो पार्ट रहेंगे इसको आप क्या बोल सकते हो? पहला पार्ट क्या है, ये जो पहला कॉलम है इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दीज आर बेसिकली 1px qx+1। 1 साल जिंदा रहा फिर मर गया, है ना? 2 साल जिंदा रहा फिर मर गया, 3 साल जिंदा रहा फिर मर गया, 4 साल जिंदा रहा फिर मर गया, सो ऑन इंफिनिटी तक। व्हाट वी आर सेइंग, मिनिमम कितने साल जिंदा रहा? 1 साल मिनिमम जिंदा रहा। सो कैन वी राइट दिस एज प्रोबेबिलिटी kx > 1? कैन यू राइट इट लाइक दिस? सिमिलरली इस केस में 2 साल रहा फिर मर गया, 3, 4, 5, सो ऑन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस प्रोबेबिलिटी kx > 2। ऐसे हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लिख रही हूँ, याद रखना। और ये बेसिकली क्या होता है, 1px मिनिमम 1 ईयर जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 1px का मीनिंग, उस दिन मैं जो किसी को समझा रही थी, 1px का ये मतलब नहीं कि 1 साल जिंदा रह के मर गया। 1px का मतलब है मिनिमम 1 ईयर्स तक जिंदा रहा, मरा कब नहीं पता आपको। गॉट द पॉइंट? आई डोंट नो कौन था जिस दिन मैं लास्ट टू लास्ट क्लास समझा रही थी। 2px का मतलब मिनिमम 2 ईयर्स जिंदा रहा, मरा कब नहीं पता। इसका मीनिंग होता है कि 2 ईयर्स जिंदा रहा और मर गया, बट 2px का मतलब ये नहीं। तभी हम लोग जो उसमें कर रहे थे ना, CDF ऑफ TX एंड PDF, 1 - CDF ऑफ TX, बेसिकली यही होता है। 1 - CDX, 1 - CDF ऑफ TX। TX क्या होता है? प्रोबेबिलिटी TX लेस देन इक्वल टू T। ये था आपका CDF, विच वॉज आपका TQX, और ग्रेटर देन वॉज दिस। ठीक है, सो ऑन, विच इज वॉट, समेशन ऑफ K गोज फ्रॉम 1 to infinity, हेंस प्रूव्ड बाय यू आर गेटिंग K = 1 एंड नॉट K = 0। अब ये अगर हम लोग लिमिटिंग एज लेते तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ KX ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी तो कोई जीता नहीं है ना, जो भी लिमिटिंग एज है, अनदर वे ऑफ राइटिंग इट। कॉपी कर लो इसको। हाँ, ओमेगा माइनस एक्स ले लो। मोर और लेस ऐसा भी होना चाहिए बॉक्स। नेक्स्ट आ जाओ, क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हो तुम लोग बाकी लोग? ट्विंकल माधो गड़िया, कैमरा ऑन करो। ब्रजेश, इसमें हंसने का तो कुछ नहीं था। नेक्स्ट, कंप्लीट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। एक बार तुम हंसा आज, हमारे चाचा को कॉल जाएगा सीधा। जो कोई रिलेटिव लोग या फ्रेंड्स के ऐसे लोग आ जाते हैं ना पढ़ने, फिर ऐसे एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि शिवांगी है तो उसके पास तो वो पढ़ ही लेगा बच्चा। ये नहीं दिख रहा कि बच्चा कहाँ कहाँ घूम रहा है, क्लास मिस करके। ठीक है, कैमरा ऑन करो ब्रजेश मेहता। नेक्स्ट लिखो, कंप्लीट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। तो अब हम लोग सिमिलरली, अब इसका नोटेशन थोड़ा चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं ई सर्कल एक्स। प्लीज इसको ना अजीब तरीके से मत बोलना, ई डॉट
ई नॉट, ई सर्कल एक्स बोलते हैं, प्रोनंसिएशन समझ लो, ई सर्कल एक्स, तो विच इज वॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स. नाउ टी एक्स इज वॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेट करेंगे, जीरो टू इंफिनिटी भी लिख सकते हो, ओमेगा माइनस एक्स भी लिख सकते हो, एनी विच वे दो बोथ आर फाइन, इंटू डी टी. चलो इसका भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं क्विकली. एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स इज इंटीग्रेटिंग जीरो से, मैं इनफिनिटी लिख रही हूँ, आप लोग ओमेगा माइनस एक्स भी लिख सकते हो. मैम ऊपर जो प्रोबेबिलिटी के एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू वाला था वो वापस एक बार समझाओगे? इसका मीनिंग क्या है कि एक एक्स ईयर का इंसान मिनिमम टू ईयर जिंदा है, ये मीनिंग हुआ ना, टू ईयर्स थ्री ईयर्स फोर ईयर्स, तो मिनिमम टू ईयर्स जिंदा, उसका प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखोगे, टू पी एक्स. टू पी एक्स सिग्निफाइज व्हाट, मिनिमम टू ईयर्स जिंदा रहा, प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज अलाइव फॉर टू ईयर्स, मिनिमम टू ईयर्स. आप ये नहीं बोलते हो कि थर्ड ईयर में वो मर गया, नहीं, वो फोर्थ ईयर में भी मर सकता है, फिफ्थ ईयर में भी मर सकता है, इसीलिए वो टू पी एक्स है. गॉट इट? ओके मैम, थैंक यू. तो टी इन टू क्या होगा, पीडीएफ of tx, pdf of tx क्या होता है आदित्य, पुनः में आ, एक तो तुम जाके बैठ गए पूरा पीछे, इसमें क्या याद करना है, तुम लोग रिवाइज नहीं करके आते हैं क्लास के पहले? अगर सीएस टू तुम लोग क्लास के पहले कॉपी रिवाइज करके नहीं आओगे तो बहुत दिक्कत होगा, फिर एक दिन पहले का भूल जाओगे तो टू मंथ्स बाद का कैसे याद रहेगा फिर. अब ना सब लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग क्या करते थे, यूवी रूल लगाते थे बेसिकली, इसको ले लो एंड उसमें हम लोग क्या करते थे, आईलेट याद है, जिसमें आई इज इंटीजर, लॉग, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, तो जितना आगे जाएगा उतना वो वी होगा, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो यहाँ पे मेरे को बताओ कि हम लोग किसको यू ले किसको वी ले. टी इज व्हाट, एलजेब्रा, एंड दिस इज इन ई ले सकते, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ले सकते, तो यू वी हो गया. तो लिखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो यूवी के रूल में यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स क्या होता था याद करो, माइनस इंटीग्रेटिंग डी यू बाय डी एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग वी डी एक्स डी एक्स, है ना, ये कहां चला गया, है ना. तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टीपी एक्स म्यू एक्स प्लस टी क्या होगा, इसको तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो देखो क्या करते हैं, पहले एक बार देख लो फिर करना, एफ एक्स टी इज नथिंग बट टीपी एक्स म्यू एक्स प्लस टी, विच इज वॉट डिफरेंशिएटिंग सी डी एफ, विच इज, सही बोल रहे, बोल है क्या, एफ एक्स टी क्या होता है, सी डी एफ क्या होता है, टी क्यू एक्स, ठीक है, एक सेकेंड, टी क्यू एक्स होता है, एक बार देख लो प्लीज, सब लोग कॉपी मत करो, देख लो, टी क्यू एक्स इज नथिंग बट वन माइनस टी पी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस हट जाएगा, डी डी एक्स ऑफ टी पी एक्स बचेगा, माइनस टी पी एक्स बचेगा, समझ आया कहां से आया ये. तो बेसिकली अगर हम लोग, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग टी पी एक्स म्यू एक्स प्लस टी इज बेसिकली इंटीग्रेटिंग दिस थिंग, डी एक्स उधर चला गया, बचा क्या हमारे पास, माइनस ये डी एक्स इधर चला गया
और डी और ये कैंसिल हो जाते हैं जो मैंने आप लोगों को कल सिखाया था। ठीक है, अब कल कोई मेरे से पूछ रहा था कि ये जैसे एफ एक्स टी आपने लिखा है दिस, सो हाउ कैन यू राइट दैट दिस इज इक्वल टू दिस, हाउ कैन यू से दैट इंटीग्रेटिंग सी इंटीग्रेटिंग पीडीएफ विल गिव यू माइनस टीपीएक्स, ये भी बोल सकते हैं ना इंटीग्रेटिंग। आप ये क्या कर रहे हो, ये आपका पीडीएफ है, पीडीएफ इंटीग्रेट करने से तो सीडीएफ आना चाहिए, बट यहाँ क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज आप कर क्या रहे हो, आप ये देखो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो, यू आर टेकिंग एलएचएस एंड आरएचएस टुगेदर। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमने बोला दिस इज एलएचएस दिस इज आरएचएस है ना, अब बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, हम लोग प्रूफ थोड़ी कर रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग पीडीएफ दैट विल डेफिनेटली गिव यू सीडीएफ ओनली, हियर वी आर नॉट इंटीग्रेटिंग, हियर वी आर टेकिंग एलएचएस आरएचएस एंड देन वी आर इंटीग्रेटिंग, गॉट इट। चलो तो ये वाला यूजिंग दिस लॉजिक, मैम कुड यू एक्सप्लेन दिस बिट अगेन, डिडंट गेट इट, हैव यू अंडरस्टूड दिस ग्रीन वाला पार्ट, नो आई डिडंट गेट इट। क्या नहीं समझ आया बताओ। सो आफ्टर वी टुक टीपीएक्स म्यू एक्स प्लस टी, आई कॉट द बिट अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ एफएक्स टी, एंड देन आई थिंक एफएक्स टी पे वी टुक एफएक्स टी विल बी क्यू एक्स, 1 माइनस QX हो गया, फिर 1 माइनस TPX हो गया, एंड वन देन माइनस वन माइनस टीपीएक्स का डिफरेंशिएशन करो क्या होगा, माइनस पी एक्स टी मिल गया, एंड देन द लास्ट बिट दैट यू सेड दैट वी आर नॉट इंटीग्रेटिंग, इट्स एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, वो छोड़ दो वो तुम, अगर वो नहीं आया समझ में, वो समझना भी नहीं था, वो खाली एक जन का क्वेश्चन था, वो मैंने आंसर किया। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना कि ये क्या, ये कहाँ से आ रहा है, बस ये क्लियर करना है। चलो तो यहाँ पे व्हाट वी विल डू, ये हम लोग का टी हो गया, सो टी इंटू इसको इंटीग्रेट करके मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ टीपीएक्स, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, इंटीग्रेटिंग वी करेंगे ना अपने, तो मैं डायरेक्टली उसको लिख रही हूँ, ये जाएगा 0 से, या तो आप इन्फिनिटी लिखो या ओमेगा माइनस एक्स लिखो, मैं एक बार इन्फिनिटी लेके कर रही हूँ, माइनस इंटीग्रेटिंग टी डी टी बाई डी टी विल गिव यू 1, टी के टर्म्स में इंटीग्रेट हो रहा है ना, एंड देन अगेन इंटीग्रेटिंग दिस एंटायर पार्ट, तुम लोग देख नहीं रहे हो फिर तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे, देख लो फिर कॉपी करना, अगेन इंटीग्रेटिंग दिस पार्ट विल गिव यू माइनस टीपीएक्स, तो ये प्लस हो गया यहाँ पे, टीपीएक्स डीटी 0 से इंफिनिटी, इज इट क्लियर टिल हियर, देख लो। ठीक है, अब इसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व करो, इन्फिनिटी इंटू, हाँ कैसे 0 होगा भाई, रीजन 0 होगा बट रीजन रीजन कैसे, करेक्ट इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी पी एक्स, ये क्या होगा 0, ये 0 होगा, ठीक है ये मत बोला करो इन्फिनिटी से, तो ये हो गया 0, माइनस माइनस प्लस हो गया 0, वापस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, प्लस आपका ये बच रहा है 0 से इन्फिनिटी टी पी एक्स डी टी, तो फाइनली क्या आ गया 0 से इन्फिनिटी टी पी एक्स डी टी, यू कैन ऑल्सो राइट 0 ओमेगा माइनस एक्स, अगर ओमेगा माइनस एक्स लिखते तो भी सेम आंसर आता, ओमेगा माइनस एक्स इंटू ओमेगा माइनस एक्स पी एक्स विच इज अगेन 0, ऑल राइट प्रूव्ड, कर लो कॉपी। हाँ समहाउ नहीं किए हैं, प्रॉपरली प्रूफ के साथ किए हैं, नहीं दिस इज नॉट इंटीग्रेशन, दिस इज दिस इंटू डीएक्स इधर आएगा तो दिस नॉट सिंपली इंटीग्रेशन, तुमको क्या लॉजिक नहीं, तुम कंफ्यूज हो रही हो बिकॉज यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग मैथ्स जब प्रूव करते हैं ना, मैथमेटिक्स में प्रूविंग करते हैं बेसिकली, स्टेटिस्टिक्स में, तो हम लोग घुमा फिरा के, जैसे हमने कल क्या किया था, हमने लॉग एल एक्स वाला चीज करा था ना, वी आर डूइंग द सेम अप्रोच, दिस इज वॉट दिस इज द पी डी एफ, ऑल राइट दिस इज अ पी डी एफ विच इज नथिंग बट डिफरेंशिएटिंग सी डी एफ,
सीडीएफ से ये आ गया. सो व्हाट आर वी सेइंग दैट दिस इज इक्वल टू दिस, देन टेकिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. तुम ये नहीं बोल रही कि सीडीएफ को पीडीएफ को इंटीग्रेट करने से सीडीएफ आएगा, वो पता है मेरे को. वहां पे तुम खाली इससे स्टार्ट करोगी ना, वहां कहाँ है कुछ और, एलएचएस आरएचएस कहाँ है? नेक्स्ट बोलो, ठीक है, नेक्स्ट पे जाए, क्लियर है सबको? देख लो, अब लिखना रिलेशनशिप, ये क्लियर है ना? एनी डाउट इन दिस? लिखो रिलेशनशिप बिटवीन ई एक्स एंड ई सर्कल एक्स. विच इज इक्वल टू ई सर्कल एक्स माइनस हाफ इज एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली इक्वल करना है इसे. अब ये क्यों हो रहा है देखो, इस केस में ना वी अज्यूम दैट द डेथ्स विल हैपन हाफ वे थ्रू द ईयर. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से लेट्स से सपोज एक एक्स है 20 ईयर्स का इंसान, जो जिंदा रहा 70, एक 20 ईयर का इंसान है, 74 75 के बीच में मर गया. नाउ वी आर अज्यूमिंग व्हाट डेथ्स आर हैपनिंग. व्हाट इज द अजम्पशन दैट वी आर मेकिंग हियर, दैट द डेथ्स आर हैपनिंग इन द मिडल ऑफ द ईयर, है ना? सो इफ इट्स हैपनिंग इन द मिडल ऑफ द ईयर, उसका के 20 क्या होगा? 74 माइनस 20, उसने कितने बर्थडेज और मनाए? बोलो 54 बर्थडेज मनाए. वेर एज अगर मैं T20 बोलूं तो 54 पॉइंट समथिंग, विच इज 0.5 बाय आर अजम्पशन. तो ये हो क्या रहा है? दिस इज -0.5 विल गिव यू के एक्स ना, दैट इज वॉट द रिलेशनशिप इज शोइंग यू. इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक अजम्पशन, दैट इज वाई वी हैव टेकन अप्रोक्सीमेटली इक्वल, नॉट एग्जैक्टली इक्वल. गॉट इट? अब सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ के एक्स निकाला. अगर मैं बोलूँ कि आप लोग वेरियंस ऑफ टी एक्स निकालो, तो वेरियंस ऑफ टी एक्स क्या होते हैं? अगर हम लोग को इसका प्रूविंग नहीं करना है, ये बहुत सिंपल है. एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स का स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको अगर कभी आए सॉल्व करने, CS2 में आप लोग देखना पेपर डिफिकल्ट होता नहीं है, कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट नहीं होता. कहाँ डिफिकल्ट बनाते हैं? ऐसा वियर्ड इंटीग्रेशन कुछ दे देंगे, वियर्ड थोड़ा स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का नॉलेज, और प्रोबेबिलिटी हम लोग का बाय डिफॉल्ट बचपन से बहुत कमजोर है. कभी आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी ठीक से लाइफ में पढ़ा ही नहीं, चाहे वो CS1 हो चाहे वो कॉलेज हो, कहीं ही नहीं पढ़ा है. सो इतना कमजोर है ना आपका प्रोबेबिलिटी कि आपको CS2 में तो जैसे रिस्क मॉडल्स में आपको होगा प्रॉब्लम, मार्कोव में प्रॉब्लम होगा, जिनका प्रोबेबिलिटी वीक है, जिनको लॉजिक नहीं समझ आता. एंड CM2 में तो होगा ही होगा प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, ट्रस्ट मी. एक एक दो दो क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से 3 मार्क 4 मार्क का खाली प्रोबेबिलिटी के ऊपर रहेगा, बिकॉज आर लॉजिक इज नॉट वेरी क्लियर, हम लोग वो सम नहीं कर पाते. ऑल राइट, तो वहाँ कॉन्सेप्ट इज राइट, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का बेस स्ट्रांग नहीं है. तो ट्राई करो कि उस पर वर्क करो. T² * क्या हो जाएगा उसका? PDF विच इज नथिंग बट TPX * μx + TDT, और ये हो गया ई सर्कल एक्स का स्क्वायर. सिमिलरली वेरियंस ऑफ के एक्स अगर मैं बोलू निकालने, क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ के एक्स का होल स्क्वायर, विच इज समेशन के 1 से इन्फिनिटी, या जीरो जो भी ऐसे भी लिख लो, जीरो ही लिख लो एक बार के लिए. जीरो से मैं इन्फिनिटी लिख रही हूँ, आप लोग डब्ल्यू माइनस एक्स भी लिख सकते हो, ओमेगा माइनस एक्स. ठीक है, क्लियर? अब आ जाते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग पार्ट्स में. अभी तक हमने म्यू एक्स और ये सब यूज किया है, अब हम लोग म्यू एक्स निकालेंगे, मतलब म्यू एक्स को मॉडल करेंगे. तो म्यू एक्स का मॉडल बनाने के लिए हम लोग दो अप्रोचेस यूज ये वाला सबने कॉपी किया ना, हम लोग दो अप्रोचेस यूज करते हैं.
एक हमारा होता है पैरामेट्रिक मॉडल, एक होता है नॉन पैरामेट्रिक मॉडल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? सो पैरामेट्रिक मॉडल, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हम लोग पैरामीटर्स यूज करते हैं, जैसे एक्सपोनेंट. सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो आप लोग पढ़ते हो उसमें आप लोगों ने पैरामीटर्स यूज किया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से एक्सपोनेंशियल, मैं आपने म्यू यूज किया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से पॉइजन, म्यू यूज, लैम्डा यूज किया, वट एवर इट इज. तो हर एक का आपका डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ पैरामीटर्स है. एंड वॉट इज द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स? पूरा बोलो. एमएलई का फुल फॉर्म? और हाँ, ये कहाँ से निकालते हो, कैसे निकाल सकते हो ये सब? पास डेटा से. मेरे को पास डेटा गिवन है, मोर्टैलिटी रेट्स, मतलब मान लो कि मेरे को क्या गिवन है, एजेस गिवन है, लोगों का एलएक्स गिवन है, उससे मैंने क्यूएक्स निकाल लिया, ये सब मुझे गिवन है. वो यूज करके मैंने सोचा इस पे तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बैठेगा, वो बैठाया मैंने एंड म्यूएक्स निकाला. फिर आप लोग क्या यूज करते थे? काई स्क्वायर टेस्ट टू शो. रिमेम्बर सीएसएन स्टूडेंट्स, जो सीएसएन अभी मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं, न्यू, इट्स फाइन. कोई है ना इधर जो सीएसएन सीएसटू साथ में लिया है? नहीं आई कोई ऑनलाइन में? कोई है जिसने सीएसएन सीएसटू साथ में लिया है? ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है, पास डेटा को यूज करके वी फिट अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजिंग दैट वी एस्टिमेट द पैरामीटर्स, राइट? सो मेथड ऑफ ली स्क्वायर, व्हेन यू टॉक अबाउट मेथड ऑफ ली स्क्वायर, इट्स बेसिकली यू आर इवैल्यूएटिंग वेरिएबल्स थ्रू रिग्रेशन. रिग्रेशन में कैसे कैलकुलेट होता है? मेथड ऑफ ली स्क्वायर, विच इज यू आर मिनिमाइजिंग द स्क्वेयर्ड एरर टर्म्स, है ना? ये करते हैं अपने. तो बेसिक इक्वेशन एक होता है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं एंड पास हिस्ट्री पे हम लोग इसको डेटा को यूज करके इसका पैरामीटर इवैल्यूएशन करते हैं. सो इट डील्स विथ पैरामीटर्स, इट इन्वॉल्व्स पैरामीटर्स. ये तो हमें क्लियर है. नेक्स्ट, नॉन पैरामीटर्स में क्या होता है कि हम लोग कुछ भी पैरामीटर्स नहीं लेते. एंड कैसे बनेगा मॉडल? इवेंट बेसिस पे हमारा मॉडल बनता है. तो हम लोग पर इवेंट, जैसे जैसे इवेंट होते जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे वो पैरामीटर, अगर कुछ है तो वो चेंज होगा, ठीक है? या हम लोग देखते हैं कि उसका एक मेथड या एक मॉडल बनाते हैं बेसिक सा, उसमें हम लोग जैसे जैसे इवेंट होता है वो हमारा मॉडल का फंक्शन फॉर्मूला भी चेंज होते रहता है. दिस वी विल डू इन चैप्टर 7 व्हेन वी विल डू नेल्सन एलन कैपलन मेयर, बोथ आर नॉन पैरामेट्रिक मॉडल्स, जहाँ पे कोई भी पैरामीटर एस्टिमेशन हम नहीं करते. ऑलराइट, एंड अगर कोई पैरामीटर ले भी रहे हैं, दैट चेंजेस इट्स वैल्यूज एज योर इवेंट अकर्स. सो एज योर इवेंट्स आर अकरिंग, योर पैरामीटर्स आर ऑल्सो चेंजिंग. इट्स नॉट कॉन्स्टेंट लाइक इन पैरामेट्रिक मॉडल्स. गॉट इट द डिफरेंस? सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द पैरामेट्रिक मॉडल्स. फर्स्ट मॉडल लिखना, लिख लो पहले तो पैरामेट्रिक मॉडल्स. पहला है एक्सपोनेंशियल बेसिक मॉडल. और इन सब से हम लोग किस चीज का मॉडल बना रहे हैं? हम लोग फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी, क्योंकि अगर हम लोग का फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी का मॉडल बन गया एंड अगर मैं आप लोग को एलएक्स दे दूंगी या अगर मैं आप लोग को कोई भी एक लाइफ टेबल दे दूंगी स्टार्टिंग विद 10,000 पीपल एंड यू हैव म्यू एक्स का वैल्यूज, यू कैन इजीली मेक अ लाइफ टेबल. दैट इज वॉट वी आर डूइंग, राइट? हम लोग का टॉपिक का नाम क्या? सर्वाइवर मॉडल्स. मतलब हम लोग मॉडल्स यूज करके लाइफ टेबल बनाते हैं, राइट? सो हम लोग म्यू एक्स का मॉडल यहाँ पे पढ़ते हैं. तो इस केस में, एंड ये ना बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आर प्रोग्रामिंग में जब इसके क्वेश्चंस आते हैं तो आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग बहुत एक्सट्रीमली कंफ्यूज. ये बहुत इजी टॉपिक है बट कंफ्यूज हो जाते हैं, आई डोंट नो समहाउ. तो बहुत ध्यान से समझना कि हो क्या रहा है. सो लेट म्यू एक्स प्लस टी, वॉट इज दैट? कि योर फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी एट टाइम एक्स प्लस टी, हम लोग बोलते हैं इज इक्वल टू म्यू एक्स इफ टी इज बिटवीन इस केस में ये किस चीज का अजम्पशन मैंने लिया है? फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी का अजम्पशन लिया है कि वो कांस्टेंट रहेगा बिटवीन इंटीजर एजेस. इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एज, नॉट ऑन द टाइम.
इट. तो यहाँ पे हम लोग, अगर मुझे एस एक्स टी निकालना है, विच इज अ सर्वाइवल फंक्शन, विच वॉज टी पी एक्स प्रोबेबिलिटी टी एक्स ग्रेटर देन टी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस म्यू टी, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी. एंड एफ एक्स टी विच इज 1 माइनस एस एक्स टी इज 1 माइनस ई टू द पावर माइनस म्यू टी. ठीक है ना. अगर ये सारे आपके पास डेटा है, म्यू एक्स का डेटा अगर मैंने आपको दे दिया, तो आप कितने इजीली, बताओ, आप म्यू एक्स सॉल्व कर सकते हो, आप कितने इजीली लाइफ टेबल बना सकते हो बेसिकली. तो इस केस में क्या होता है, एक एज के बीच में आपका म्यू ऐसे कांस्टेंट रहता है, एक एज के रेंज में. मैं ऐसे बना नहीं रही हूँ क्योंकि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सो डोंट मेक अ ग्राफ राइट नाउ. नेक्स्ट लिखो वेबल मॉडल. देखो वेबल डिस्ट्रीब्यूशन आपके टेबल बुक में दिया हुआ है. एक्सपोनेंशियल क्लियर हो गया म्यू एक्स का क्या होता है. अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि मेक अ ग्राफ ऑफ एस एक्स टी इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ यू कैन डू इट ई टू द पावर माइनस म्यू टी लगा के. वेबल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना, वेबल डिस्ट्रीब्यूशन को मैं लिख कैसे रही हूँ पहले तो ये देखो. मैं स्टार्ट किससे कर रही हूँ, विच इज वॉट, वेरी गुड वेरी गुड, विच इज द टी एक्स का सी डी एफ. सो आई एम स्टार्टिंग ऑफ विथ सी डी एफ, दिस इज नॉट म्यू एक्स. इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आई स्टार्टेड ऑफ विथ म्यू एक्स, कि भाई म्यू एक्स ही आपका जो पैरामीटर वैल्यू रहेगा, इधर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर है वही मेरा म्यू का वैल्यू है फॉर दैट पर्टिकुलर इंटीजर एज. दिस इज वॉट आई एम सेइंग, आई एम स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम दिस पोजिशन. बट यहाँ पे वेबल में आई एम स्टार्टिंग ऑफ विथ सी डी एफ, जहाँ पे आई एम सेइंग 1 माइनस एक्सपोनेंशियल अल्फा इंटू, अगर आप लोग के पास टेबल बुक है आप लोग खोल के कंपेयर कर सकते हो, दिस इज द सी डी एफ ऑफ वेबल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड सिमिलरली पी डी एफ बिकम सी 1 माइनस सी डी एफ बिकम्स एक्सपोनेंशियल, वेर अल्फा एंड बीटा आर योर पैरामीटर्स, टी इज द टाइम. ठीक है, अब इसको ना थोड़ा तोड़ते हैं हम लोग. मान लो एस एक्स टी आपको गिवन है कैसे निकालते हैं, ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वेबल का, सी डी एफ एंड 1 माइनस सी डी एफ. इन जनरल आपका अगर एस एक्स टी निकालना है, भूल जाओ, इन जनरल आपको कोई मॉडल गिवन नहीं है, तो एस एक्स टी कैसे निकालते हैं, 0 से टी ऐसे निकलता है क्या. हाँ निकलता है. तो इसको हम लोग फिर कैसे, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लॉग ले लेते हैं एल एन एस एक्स टी. फिर और कैसे कर सकते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, है ना. एक चीज अगर आप लोगों को पता है कि जब हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, इट यूजुअली इज डन विथ रिस्पेक्ट टू द अपर लिमिट. डिफरेंशिएटिंग कुछ रिस्पेक्ट में करते हैं ना, डी डी एक्स डी डी टी. तो यहाँ पे लिखो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी. ठीक है, तो ये हो जाता है आपका डी डी टी. पार्शियली है तो पार्शियल वाला यूज कर लेते हैं. यहां आपका खाली बचेगा, अच्छा एक काम करूं, माइनस उधर ले जाते हैं ना, सही रहेगा, माइनस इधर ले आओ. म्यू एक्स प्लस टी, जब आप लोग
अगर थोड़ा मैथमेटिकली समझना है, जब आप लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू द अपर लिमिट, सो लोअर लिमिट क्या होना चाहिए था? डी डी टी म्यू एक्स प्लस जीरो, ऐसा कुछ होता. सो इट इज कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ टी, राइट? सो इट इज जीरो. दैट इज वाई दैट जीरो टर्म इज देयर, नॉट देयर बेसिकली. म्यू एक्स प्लस, अगर कोई क्वेश्चन पूछे म्यू एक्स प्लस जीरो कहाँ गया भाई, वो डी टी के टर्म्स में तो कॉन्स्टेंट है ना? इसीलिए सब लिखते रहा करो इफ यू वॉन्ट टू. एटलीस्ट आई यूज टू फोकस अलॉट ऑन दीज एस्पेक्ट. आई डोंट नो, हट जाएगा. हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, इधर पे लिख लो पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग. मैं लिख नहीं रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू द अपर लिमिट. ये जो डेरिवेशन मैं कर रही हूँ ना, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. यही है जो आर प्रोग्रामिंग में आता है, और स्टूडेंट्स इसी में पता नहीं स्क्रू अप करके आते हैं संभव. तो ये हो गया. अब इसके बाद नाउ लेट्स डू वन थिंग. ये जो है ना, दिस इज अ जेनरल फॉर्मूला कि भाई म्यू एक्स प्लस टी इज इक्वल टू डी टी टी ऑफ माइनस एल एन एस एक्स टी. ये जो इक्वेशन लास्ट में मैंने बनाया है, दिस इज अ जेनरल फॉर्मूला विच यू कैन यूज. अब होता क्या है, हम लोग किसका मॉडल बना रहे हैं? म्यू एक्स प्लस टी का. एक्सपोनेंशियल के केस में हमने देखा था दिस इज कॉन्स्टेंट म्यू एक्स, गॉट इट? तो आपका एस एक्स टी ई टू द पावर माइनस म्यू टी एफ एक्स टी निकल गया. इस केस में कहीं भी मैंने आपको बोला है कि फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी इज इक्वल टू दिस? डायरेक्टली मैंने मॉडल स्टार्ट ऑफ कैसे किया, बाय टेकिंग सीडीएफ एंड पीडीएफ. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन केस ऑफ वेबुल मॉडल व्हाट इज द फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी, तो कैसे बताओगे? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी, तो कैसे बताओगे? इस केस में आपको निकालना पड़ेगा ना म्यू एक्स प्लस टी, वो अब हम लोग निकालेंगे. सो नाउ दिस इज व्हाट वी विल डू इन दिस स्पेसिफिक केस. डेल डेल टी ऑफ माइनस लॉग एस एक्स टी क्या है? ऊपर में क्या है एस एक्स टी बताना? एक्सपोनेंशियल ये है. दिस इज अ स्पेसिफिक केस दैट वी विल डू नाउ, है ना? बेसिकली क्या करा हमने आदित्य, एस एक्स टी के जगह पे ये लगा दिया, है ना? यही तो करा, ताकि वेबल. अब देखो इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करो. डेल डेल टी ऑफ माइनस एक्सपोनेंशियल ये कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, बचा अल्फा टी टू द पावर बीटा. बचा क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट क्या आते हैं क्वेश्चन में बताती हूँ. आर प्रोग्रामिंग में दे विल से दैट लेट्स सपोज वी आर यूजिंग अ वेबल मॉडल विथ अल्फा सो एंड सो बीटा सो एंड सो, दे देंगे. अब क्या करते हैं पता है, एंड मेक अ ग्राफ ऑफ एफ ओ एम, फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी. स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, इसका ग्राफ बना के आते हैं. भाई आपने एस एक्स टी का ग्राफ बनाया है, समझ रहे हो? दिस इज द क्वेश्चन, इट्स देयर इन द असाइनमेंट. इसका ग्राफ बना के आते हैं. आपने क्या किया है, आपने एस एक्स टी का ग्राफ बनाया है. ग्राफ बनाना किसका था? फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी का, विच वॉज अल्फा बीटा इंटू टी टू द पावर बीटा माइनस वन. इसका ग्राफ बनाना था, बना के आ गए. तो आइडियली वॉट वी से इज नॉट फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी इज नॉट, मतलब फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी कैन ऑल्सो फॉलो वेबल, वो हम लोग नेक्स्ट करेंगे. आइडियली ये मॉडल में हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो सर्वाइवल फंक्शन है दैट फॉलोज बेसिकली टी एक्स फॉलोज वेबल डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, टी एक्स इज फॉलोइंग वेबल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ कि ना? अगर टी एक्स वेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे तभी तो उसका सी डी एफ आप ऐसे लिख पा रहे हो. ये चीज ऐसे छोटे से पेंसिल से लिख दो, टी एस एस फॉर. जो कुछ कुछ चीजें मैं बोल रही हूँ मैं ऐसे ऑफिशियली लिखाती ही नहीं हूँ, बट आप लोग को वो लिख लेना चाहिए, आप लोग को बहुत हेल्प आएगा. क्या फायदा 5 मार्क बिना मतलब का 5 मार्क चला जाएगा, कोई मीनिंग नहीं है. गॉट द पॉइंट?
म्यू एक्स इज नॉट फॉलोइंग वेबल इन दिस केस. व्हाट इज फॉलोइंग वेबल? अल्फा कॉमा बीटा. टी एक्स इज फॉलोइंग वेबल. गॉट इट? अंडरस्टूड? एनी डाउट प्लीज सी? एनी डाउट किसी को? कोई भी क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक हो गया. अब अगर मैं बोलूं, लेट्स सपोज कि हम लोग वेन बीटा इक्वल्स वन ले लेते हैं, तो आपका ये क्या बन जाता है? टी टू द पावर बीटा माइनस वन माइनस वन इज जीरो, विच इज वन, विच इज म्यू, विच इज सिमिलर टू एक्सपोनेंशियल. टेबल बुक खोलो, उसमें जो एक पूरा डायग्राम है ना, ऐसे एक डिस्ट्रीब्यूशन से दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन में जाने का, वो देखा है तुम लोगों ने कभी? जब डिस्ट्रीब्यूशन एंड हो जाते हैं, प्लीज कैरी योर टेबल बुक इन CS2 क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट. सारे डिस्ट्रीब्यूशन जब खत्म हो जाते हैं, तो एक कौन सा पेज नंबर है देखना उसमें, एक डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे. सो वेन यू मेक वेबल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा इज वन, ठीक है, इट बिकम्स एक्सपोनेंशियल. सो एक्सपोनेंशियल इज अ स्पेशल केस ऑफ वेबल विद बीटा इक्वल्स टू वन. लिख लो वेबल, पेज नंबर क्या है? 20. ठीक है, एक्सपोनेंशियल ठीक है ना? एक चीज सुनना, अगर आपको क्वेश्चन में म्यू एक्स गिवन है, मान लेते हैं क्वेश्चन में बोला है वे म्यू एक्स फॉलोज वेबल अल्फा कॉमा बीटा, और तुम अगर ये करके आ रहे हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा. वो तो म्यू एक्स का गिवन है ना भाई, आप ये थोड़ी लगा दोगे. आपको मान लो क्वेश्चन में बोला है म्यू एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है सो एंड सो, प्लॉट द ग्राफ ऑफ एस एक्स टी या फिर फाइंड एस एक्स टी. तो एस एक्स टी कैसे निकलता है? म्यू एक्स टी गिवन रहता है तो ऐसे निकलता है ना, कहाँ गया, ऐसे निकलता है ना, ये वाला चीज निकलता है ऐसे, इसको यूज करते हो है ना, अगर म्यू एक्स टी गिवन है. सिमिलरली अगर एस एक्स टी गिवन है और म्यू एक्स टी निकालना है, तो ये अभी हमने सीख लिया कैसे करते हैं. यहाँ पे एस एक्स टी को डाल के म्यू एक्स टी निकालते हैं. गॉट इट? प्लीज ये फालतू हरकत मत करके आना एग्जाम में, क्योंकि दीज आर इजी चैप्टर्स. यहाँ पे यू कैन नॉट, 6 to 11 आर चैप्टर्स यहाँ पे यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स. यहाँ पे मार्क्स मिलता है क्योंकि मॉडल्स फिक्स्ड है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा. तो यहाँ मार्क्स अगर नहीं मिल रहेगा तो कहीं नहीं मिलेगा फिर आप लोग को, ठीक है. या फिर अगर डिस्ट्रीब्यूशन में बोल देते हैं कि CDF ये फॉलो करता है, PDF ऐसा है, CDF ऑफ TX ये है, CDF ऑफ म्यू एक्स नहीं होगा, बोल देगा CDF ऑफ लाइफ टाइम ऑफ लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज CDF ऑफ TX. ये सब जो मैं बोल रही हूँ, ये मैं ऐसे मतलब टाइम पास के लिए नहीं बोल रही हूँ, एंड हो सकता है मैंने पिछले कुछ टर्म्स में रियलाइज किया कि स्टूडेंट्स करते हैं मिस्टेक. सो इफ यू सी माई 2 ईयर्स पुराना वीडियो, तो आप लोग देखना उसमें मैंने डिटेल में नहीं बोल रही हूँ ये चीजें, अभी बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेकिंग अ मिस्टेक ओवर हियर. ऑलराइट, आप लोग सब कोविड स्टूडेंट्स हो तो आप लोग का मैथ्स ऐसे ही वीक है. नेक्स्ट लिखो गॉम्पर्ड्स लॉ. ये खाली याद रखना, ये वाला जो चीज है ना, ये मैं वापस से लिख देती हूँ. डी डेल एक्स होता है बेसिकली माइनस लॉग ऑफ एस एक्स टी इज इक्वल टू, ये याद रखना. दो तीन जो मेजर फॉर्मूलाज हैं वो खाली याद रखोगे तो सही रहेगा. नेक्स्ट लिखो गॉम्पर्ड्स लॉ. इसका क्या होता है? अब इसमें देखना मैं क्या लिख रही हूँ, इसमें सीधा म्यू एक्स लिख रही हूँ, इसमें एस एक्स टी नहीं लिख रही हूँ, इसमें एफ एक्स टी नहीं लिख रही हूँ. बी सी टू द पावर एक्स, वेर योर बी एंड सी आर पैरामीटर्स आर गिवन टू यू. तो यहाँ क्या होता है, एज एक्स विच इज जनरली द एज, एज एज इंक्रीजेज योर म्यू एक्स इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली बिकॉज सी टू द पावर एक्स है,
सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा. दिस इज जनरली सूटेबल व्हेन यू आर मॉडलिंग फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी फॉर मिडिल टू हायर ओल्डर एजेस, क्योंकि उस केसेस में आपका एक स्टीप इंक्रीज होता है, मतलब एक सडन ऐसा इंक्रीज होता है इन योर म्यू एक्स. तो ये पोर्शन जनरली मिडिल टू लोअर हायर एजेस में 40 टू मे बी 80 90 वॉट एवर तक देखा जाता है व्हेन देयर इज अ स्टीप इंक्रीज इन योर फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी. ऑलराइट, म्यू एक्स गिवन है इसका, तो अब इसका एस एक्स टी और एफ एक्स टी निकालना पड़ेगा, है ना. तो लिख लो, लिख भी लो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन रीजनेबल फॉर मिडिल टू ओल्डर एजेस. तो टीपीएक्स लिख लेते हैं, फिर उसका प्रूफ भी करेंगे, बिकॉज अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट. जी टू दी पार है ये पूरा चीज, सी एक्स इंटू ये पूरा पार में है इसके. ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं. चलो कैसे निकलते हैं टीपीएक्स आदित्य, अभी निकाला. टीपीएक्स इज नथिंग बट एस एक्स टी विच इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल माइनस, अगर अभी भी ये सब चीज नहीं आ रहा है तो मतलब तुम लोग लॉस्ट हो अपनी दुनिया में, पढ़ नहीं रहे हो ठीक से. कॉपी रिवाइज करके आओ वरना पीछे छूट जाओगे बहुत ज्यादा. फिर पता चला जनवरी में जब रजिस्टर करने का टाइम है तो हम लोग बोलोगे मैम प्रिपेयर्ड नहीं है, नेक्स्ट टर्म देंगे. वेरी लाइकली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सी एस टू डेफर करते हैं, एक बार डेफर करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो डेफर करते ही रहते हैं वो. आप लोग छोटे पेपर्स में नहीं, आप लोग एक्चुअली बड़े पेपर्स में आ गए हो. इसको ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का. अब पैरामीटर्स है या ये फंक्शन, जैसे तुम्हारा ये है यहाँ पे वैसे एक मॉडल है, ये गॉम्पर्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन है. ये टेबल बुक में नहीं है शायद, गॉम्पर्ट्स बी और सी पैरामीटर्स है यहाँ पे. अब देखो बी सी टू दी पार एक्स जो है ये पूरा इंडिपेंडेंट ऑफ एस है ना, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा. इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, है ना, बाय लॉग ए. तो सी टू द पावर बाय, अच्छा सी टू द पावर एस कर देते हैं, चलो सी टू द पावर एस लॉग करो. अब इसको कैसे करेंगे, लॉग सी कांस्टेंट है, ब्रैकेट में हो गया सी टी माइनस सी टू द पावर जीरो इज वन, वेरी गुड. Now we know that this is what? तो exponential के अंदर ये दोनों multiply में है, मतलब ये है, you can write it like this also.
मैं कैसे लिख रही हूँ पहले देखना, क्योंकि हम लोग को वो जो ऊपर में हमने RHS लिखा है उसके जैसे उसको बनाना पड़ेगा ना सिमिलर. तो एक्सपोनेंशियल माइनस बी बाय लॉग सी, LNC भी लिख सकते हो. दिस थिंग टू द पावर सी एक्स इंटू सी टी माइनस वन, मतलब ऐसे था e टू दी पार, मतलब क्या है आपको दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल ए बी, आप कर रहे हो एक्सपोनेंशियल ए होल टू दी पार बी, सेम थिंग ना, इसको इसमें कर रहे हैं, बोलो क्या कंफ्यूजन है. सो दिस इज व्हाट माइनस बी बाय लॉग सी, एक्सपोनेंशियल माइनस बी बाय लॉग सी इज जी. तो इसको हम लोग लिख लेते हैं अब जी हेंस प्रूफ्ड. ये आते हैं क्वेश्चन में, इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है. क्या करेंगे, बोलेंगे म्यू एक्स फॉलोज गॉम्पर्स, बी इज दिस, सी इज दिस, प्लॉट इट्स सर्वाइवल फंक्शन. तो इसको मत प्लॉट करके आना गॉम्पर्स फंक्शन बना के, आपको किसको प्लॉट करना है इसको. मैम, मैम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द एक्सपोनेंशियल पार्ट अगेन? मतलब e टू दी पार ए बी इज इक्वल टू e टू दी पार ए, ऐसे करके लिखते हैं, वही चीज कर रहे हैं. एक्सपोनेंशियल के अंदर ये पूरा चीज है मल्टीप्लिकेशन, मतलब अंदर में. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस पार्ट को ले रही हूँ एज ए एंड इस पार्ट को ले रही हूँ एज बी. एसी को 25 करो ना, क्या कर रहे तुम लोग. ठीक है देवांश, देवांश आर यू फ्रॉम मुंबई. यस मैम, हाँ बोलो. क्लियर. यस मैम, अंडरस्टूड, थैंक यू. तो उसको हम लोग फिर क्या किए, ये वाला पार्ट को e टू द पावर a हो गया और ये b वाला पार्ट चला गया ऊपर, एंड दिस इज नथिंग बट g. ठीक है. क्लियर, एनी डाउट. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फ्रॉम मुंबई, रेज योर हैंड्स. यहाँ पे भी कुछ दिनों पहले एक मुंबई का स्टूडेंट बैठा हुआ था जो चला गया वापस, ब्रजेश. ठीक है, मेनी ऑफ यू. ऑल राइट, ये हो गया गॉम्पर्स. डाउट लिख भी लिया तुम लोग इतना जल्दी, वाह वेरी फास्ट. नेक्स्ट लिखो मेकहेम्स लॉ. अभी तो CS2 में आए कहाँ हो, टेबल बुक में नहीं है भाई ये सब चीज, नहीं है अभी तो CS2 में आए कहाँ हो. तुम ये देख ली क्या वीडियो पहले ही, क्यों, इससे अच्छा तुम लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो देखती. दो दो बार पढ़ के क्या मजा आ रहा है. लिखो दो दो बार वीडियो देखने से बढ़िया ना कॉपी 10 बार रीड कर लो. जितना बार कॉपी रीड करोगे ना, जितना बार, ट्रस्ट मी, कोई रोक नहीं सकेगा तुम लोग को एग्जाम क्लियर करने से. तुम लोग 10 सम कम कर लेना बट कॉपी रीड करना. और मेरा रूल है, अभी तो चलो ठीक है, अभी इजियर टॉपिक्स में, नेक्स्ट टाइम से जो भी आंसर नहीं देगा क्लास के बाहर, तो आने से पहले आधी घंटा कॉपी रिवाइज करके आना है. एटलीस्ट चैप्टर 6 करें तो चैप्टर 6 का कॉपी पढ़ के आओगे. ठीक है, ऐसे ब्लैंकली नहीं बैठोगे क्लास में. इट इनकॉर्पोरेट्स अ कॉन्स्टेंट टर्म, विच इट इनकॉर्पोरेट्स अ कॉन्स्टेंट टर्म विच इज इंटरप्रेटेड एज एन अलाउंस फॉर एक्सीडेंटल डेथ्स. इंडिपेंडेंट ऑफ एज, सिमिलर टू गॉम्पर्ट्स,
एडिशनली क्या है, प्लस एक कर दिया, होता क्या पहले समझ लो फिर देखना। तो बेसिकली ना मैंने कल बोला था ना 19 to 25 एज ग्रुप जहां पे यू सी सडन स्पाइक, तो वो स्पाइक इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एज, ऑलराइट, इट्स अ जनरल फिनोमिनन व्हिच हैपेंस एट दैट पर्टिकुलर एजेस। मान लो मोर्टैलिटी आपका ऐसे चल रहा है, बट देन यू सी अ सडन स्पाइक, दिस सडन स्पाइक मे नॉट बी रिलेटेड टू एज, सो यू एडेड अ कॉन्स्टेंट टर्म टू इट, एक्सीडेंटल डेथ्स हो गए, या आज के डेट पे हम लोग बोल सकते हैं अर्ली 40s में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, है ना, सो उस समय वी सी अ सडन स्पाइक, राइट। सो ये चीजें आप मॉडल कर सकते हो यूजिंग नॉट गॉम्पर्स बट मेकहम, ऑलराइट। एक होते हैं गॉम्पर्स मेकहम साथ में, वो बाद में उसमें, तो ये हो गया आपका मेकहम का कॉन्सेप्ट। एंड जनरली ये एक्सीडेंटल डेथ्स आपका एक स्पाइक जो आ रहा है वो 19 से 25 के बीच में मान लो, या फिर फॉर मिडिल टू ओल्ड एजेस वेर यू सडनली सी अ स्पाइक इन हार्ट अटैक्स, टीनेज ईयर्स में हो गए, तो उस हिसाब से ये किया जाता है। नाउ इफ दिस इज गिवन टू यू, अगेन सेम लॉजिक, टीपीएक्स क्या होगा, एसटी एक एडिशनल टर्म आ गया बेसिकली इधर, वेयर जी इज एक्सपोनेंशियल माइनस बी बाय एल एन सी, एंड एस इज दिस, देखो ए क्या है, पॉजिटिव, यूजली पॉजिटिव ही होना चाहिए ए, ए टू द पावर माइनस ऑफ सम पॉजिटिव, तो इसकी वजह से मतलब है टीपीएक्स डिक्लाइन होगा एक्सपोनेंशियली, अगर म्यू एक्स एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है तो टीपीएक्स शुड फॉल ना, टीपीएक्स इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग दैट शुड फॉल ना एज योर टी इज इंक्रीजिंग, तो ये लॉजिक है। चलो इसको अभी प्रूफ कर लो क्विकली, खुद से ट्राई करो। एक्सपोनेंशियल, अभी तो तुम लोग बच गए, तुम लोगों का खाली 1.5-2 hours का क्लास है, एक पॉइंट पे आई हैव टेकन, 2 hours भी कहाँ पढ़ते हो तुम लोग, एक पॉइंट पे आई हैव टेकन 3-3 hours का क्लास, बट आई हैव सीन आजकल के स्टूडेंट्स का उतना कंसंट्रेशन बैठता नहीं है सही, तुम लोग आजकल 1 मिनट के शॉर्ट्स में ही बोर हो जाते हो, है ना, 1 मिनट का भी तो शॉर्ट्स तुम लोग देखता नहीं है, 5-6 सेकंड भी नहीं अच्छा लगा तो स्क्रॉल कर दिया, कहाँ तुम लोग 2 घंटा क्लास अटेंड करेगा बैठ के, और वो भी मेरे साथ ऐसी बोरिंग, इतना कुछ चल रहा है नवरात्रि का, उसको प्रैक्टिस करना है डांडिया तुमको, अब इसमें क्या करते हैं दो पार्ट्स में इसको मतलब गॉसिप खाली मैं कर सकती हूँ, तुम लोग नहीं, तुम लोग को सुनना है, तुम लोग सुनने के लिए बैठे हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ो, 0 से TADS माइनस 0 से T, मेरे बिल्डिंग के पास एक बिल्डिंग है सामने छत पे, उन लोग 15-20 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ हाँ करो करो फटाफट, मेरे यहाँ वेट मत करो सॉल्व करने का। पहला पार्ट क्या होगा ही, तेरा नाम हम भूल जाते हैं हमेशा, हाँ चैतन्य बोलो, कौन टी माइनस A into S लिखो ना, ऐसा पिटेगा ना,
तुम तो चलो, तुम्हारा तो आज पेरेंट्स कॉल होगा। अच्छा पेरेंट्स नहीं, अंकल कॉल। पेरेंट्स तो सोच रहे हैं बेटा पढ़ रहा है। जीरो वाला आई एम नॉट राइटिंग। ये जीरो वाला होगा ना, पर क्या मिस्टेक कर दिया मैंने। हाँ 1-1 मिस कर दिया था। ठीक है अब देखो। अब देखो ई टू दी पावर ए माइनस बी इज व्हाट। ऐसे लिख सकते हो, मतलब सम हो, ठीक है, प्लस करेंगे तो ऐसे। तो इसको हम लोग कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल -80 और एक्सपोनेंशियल BC। ये पूरा सेम चीज है तो मैं फिर से नहीं समझाऊंगी। LNC है ना। हाँ ये वाला पे माइनस है इधर, और ये हो जाएगा, मैंने एस लिखा है ना ऊपर, एस टू दी पार टी वेर एस इज अगेन यूजिंग दिस लॉजिक दैट ई टू दी पार ए बी इज ई टू दी पार ए इन टू बी। ऐसे जी सी एक्स सी टी -1 प्रूव्ड। यूजुअली ये जो ए टर्म ऐड करते हैं वो एक स्पेसिफिक एज के लिए ऐड करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा मोर्टैलिटी ऐसा जा रहा है, ठीक है, ऐसा जा रहा है मोर्टैलिटी रेट, एंड सडनली सडनली यू सी अ स्पाइक ओवर हियर, तो खाली इस ड्यूरेशन में यू विल ऐड दिस ए वाला टर्म एंड देन अगेन इट विल गो बैक टू नॉर्मल। ऑल राइट, तो वो इसीलिए एक्सीडेंटल डेथ्स मैंने बोला। नेक्स्ट लिखेंगे गॉम्पर्ड्स मेकहम। ये कॉपी कर लो पहले। गॉम्पर्ड्स मेकहम आर कॉमा एस। आर कॉमा एस कहाँ से आ रहे बताऊंगी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट पॉलिनोमियल 1 विथ टी, पॉलिनोमियल 2 या एक्सपोनेंशियल ऑफ पॉलिनोमियल 2 लिख लेते हैं। ठीक है एक बार देख लो, समझ लो, फिर मैं टाइम दूंगी लिखने का। आर इज बेसिकली स्टैंडिंग फॉर दिस आर टर्म्स, ये एक्सपोनेंशियल के बाहर है, और ये एस स्टैंड्स फॉर यहाँ पे एस टर्म्स। एस टर्म्स कैसे आ रहे हैं, 1, 2 डॉट 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 एस टर्म्स है टोटल। और ये भी अगर तुम लोग देखोगे ये आर टर्म्स है, क्योंकि ये तो आर -1 हो गए ना, और एक और ये वाला टर्म, तो आर टर्म्स तो 2। तो बेसिकली ये क्यू है, दिस इज अगेन जो अल्फा वाला टर्म्स है, α1 α2 डॉट डॉट अल्फा आर प्लस एस तक, दीज आर कॉन्स्टेंट टर्म्स एक्टिंग लाइक कोएफिशिएंट्स, ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टी, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स टू टू मॉडल अ मोर्टैलिटी रेट। इसमें कोई
अदर एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपका जनरली क्वेश्चन आता है एक्सपोनेंशियल मेकहम कॉम्पर्स कुछ भी दे देगा एंड बोलेगा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 1 मार्क का होगा कि वॉट सजेस्ट अ बेटर मॉडल. तो बेटर मॉडल इज दिस इज This is what you will write. You will just write Gompers Makeham family can be a better model. You can just write ये. तुम लोग अगर ये भी नहीं लिखोगे ना, ये वाला part भी नहीं लिखोगे तो चलेगा. You all can just write this, simply this. But depends on the marks, ये भी लिख सकते हो. ये दोनों लिखने के बाद you will just say कि it constitutes of a polynomial, two polynomial equations. And one polynomial equation is within the exponential. तो एक क्या और है? एक polynomial जो बाहर है एक्सपोनेंशियल के, वो आपको स्टीप ग्रोथ ऐसे दिखा रहा है और एक आपको एक्सपोनेंशियली भी ग्रो करा रहा है डिपेंडिंग आपका एज, डिपेंडिंग आपका कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल है जिसका आप मोर्टैलिटी रेट निकाल रहे हो. ऑलराइट, दैट इज गॉम्पर्स मेकहम. देयर आर टू पॉलीनोमियल्स. यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग. नो एक्सप्लेनेशन, नो अदर लॉजिक इज रिक्वायर्ड. जस्ट 1 मार्क का आता है ये. ठीक है, इसको कॉपी करो. ऊपर वाला जिनका कॉपी नहीं हुआ था कॉपी कर लो. कितना बज रहा है? ठीक है, तो 2 सम में एक्चुअली, 1 सम मैं दे देती हूँ तुम लोग को एज अ होमवर्क, ट्राई करना वो होता है कि नहीं. म्यू 50 is 0.017609. Mu 55 is 0.028359. Mu follows Gompertz. Calculate B and C. क्या करोगे? B C to the power 50 is this. B C to the power 55 is this. दोनों को solve करना है. ठीक है ना? Very easy. एक और ले लो, एक और क्वेश्चन ले लो, ये करके लाना तुम लोग कर. म्यू 70 इज 0.025330. म्यू 90 इज 0.126255. अगेन कैलकुलेट बी एंड सी एंड कैलकुलेट 20p60. ठीक है, 2 क्वेश्चन है, तुम लोग ये करके आओगे. बी एंड सी सेम लॉजिक से निकल जाएगा. 20p60 कैसे निकलेगा? हमने ऑलरेडी ना SXT का फॉर्मूला निकाल लिया है, ये वाला, बस इसको यूज कर लेना. हम दोनों में गॉम्पर्ट्स को ही लगा रहे हैं. हाँ गॉम्पर्ट्स है. हाँ बी सी आएगा तो गॉम्पर्ट्स है ना, और तो कहीं है नहीं. तो ये करके आना, वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास विच इज टुमारो एंड देन वी कैन स्टार्ट विद चैप्टर 7. All right. कल है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन और क्लास है. हाँ बोलो. वो म्यू 90 का वैल्यू एक बार रिपीट करना, कितनी रहती है? इसीलिए तुमको बोल रहे थे कि तुम मत जाओ मुंबई वापस. क्लियर दिख नहीं रहा एक्सप्लेन लोगों. अभी भी नहीं दिख रहा है. 0.85 है कि 55 है? बहुत कंफ्यूज. 55 है ये. 6 to 55. क्वेश्चन था कि आपने लॉस डिस्ट्रीब्यूशन एंड वो सब चैप्टर कराया है तो उनका बुकलेट करना है कि अगर तुम कर लिए तो तुम स्टार्ट कर सकते हैं सम्स करना.